नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों पर लगातार एक्शन ले रही है और देश विरोधी लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले भी अब योगी सरकार की रडार पर हैं। जी हां, बरेली में जो मामला सामने आया है उससे तो यही लगता है। दरअसल बरेली के एक मुटाफन गांव में मुस्तकीम नाम का दुकानदार अपने साथी नईम के साथ मोबाइल पर गाने बजा रहा था, लेकिन उस गाने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिसके बाद वहां से जो लोग गुजर रहे थे उसमें हिमांशु पटेल और साथ ही आशीष पटेल ने जब व्यक्ति से इस पूरे मामले पर टोका उन्हें और इस पूरे गाने को बंद करने के लिए कहा गया, तो उस दुकानदार ने दरअसल कहा कि वो अपनी मर्जी से कोई भी गाना बजाएंगे, जो मन है वो सुनेंगे। उसने साफ तौर पर गाने को बंद करने से इनकार कर दिया और ज्यादा वॉल्यूम में वो गाना बजाया, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई और पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए दरअसल मुस्तकीम और उसके दोस्त नईम को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर हुई है। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर कुछ लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अगर बात उत्तर प्रदेश की ही कर ली जाए तो हमने देखा है कि किस तरीके से चुनावों के दौरान भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, दरअसल उन्होंने रैलियों के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। हालांकि मुस्तकीम की इस हरकत की वीडियो जो है वो आशीष पटेल के द्वारा बनाई गई है और बकास था सोशल मीडिया पर अब ये पूरी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो दुकानदार है मुस्तकीम दरअसल ये गाने बजा रहा है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुने जा सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है पुलिस ने आरोपित पाकिस्तान के गाने बजाकर गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो तहरीर है उसमें कहा गया है। और तहरीर मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो फिलहाल दुकानदार जो थे, जो फरार हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं सामने आने के बाद इस वीडियो की जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्यों इस तरीके से गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि इस पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चूंकि सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ऐसे में कार्रवाई जबरदस्त तरीके से अपराधियों पर हो रही है। तो एक तरफ बरेली के गांव में इस तरीके से मुस्तकीम नाम के इस दुकानदार ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला ये गाना सुना, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, गो तस्कर और गैंगस्टर मोहम्मद मुजफ्फर पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल प्रयागराज में हिस्ट्री सीटर और अपराधी कोठियार ब्लॉक के प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। तो मोहम्मद मुजफ्फर की जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें उसके मकान शामिल हैं, उसमें उसकी जमीन शामिल है और समाजवादी पार्टी का ये बड़ा समर्थक है, ये भी पुलिस की ओर से खुलासा किया गया है। उसकी पहुंच कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरअसल 2018 में एक मामले में मोहम्मद मुजफ्फर जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो सपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ता है और उसमें जीत भी वो हासिल करता है। तो इतनी पहुंच वो रखता है। मोहम्मद मुजफ्फर जो है वो अंतर्राज्यीय गो तस्करी का गिरोह भी चलाता है। उसके खिलाफ कौशाम्बी, खागा, फतेहपुर, फूलपुर और नवाबगंज जैसी कई जगहों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। तो मुजफ्फर के खिलाफ नवंबर 2018 में नवाबगंज थाने में DCM से भरकर प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में केस दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। उसी दौरान उसके गौ तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और इतना ही नहीं, मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 2018 का ये पूरा मामला है जिसमें वो फिलहाल जेल में बंद है।
और इस पूरे मामले में जो उनकी तरफ से जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि ये जिले के खूबनगंज थाना क्षेत्र का मामला है। हिस्ट्री सीटर कुख्यात को तस्कर माफिया मोहम्मद मुजफ्फर की करीब 5 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। आपपुरा मुफ्ती थाने पर इस कुख्यात अपराधी की हिस्ट्री सीट भी खुली हुई है। मोहम्मद मुजफ्फर के प्लांटों को जब्त कर लिया गया है, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। तो 5 करोड़ रुपए की ये चल अचल संपत्ति है जिस पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की ओर से हुई है। आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का लिंक इस पूरे मामले पर सामने आया है, उसके बाद जाहिर तौर पर सियासत भी बेहद गर्माई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बुलडोजर संस्कृति से पता नहीं बुलडोजर एक दिन कहां पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ मुड़ जाए। बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा है जहां बलात्कार बैंक डकैती हो रही है, ये बड़ा निशाना योगी आदित्यनाथ पर साधा किया है। तो इस तरीके से जो बुलडोजर से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है उससे भी अब अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का, जो दागी नेता है, खासतौर पर जो माफिया है जिन्होंने अवैध कब्जे समाजवादी पार्टी की सरकार पर गरीबों की जमीन पर किए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अवैध फैक्ट्रियों का निर्माण किया है, जिन्होंने अवैध कारखाने बनाए हैं, उन तमाम जगहों पर अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। और इसी से फिलहाल अखिलेश यादव इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि इस तरीके की बयानबाजी लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में इतना तय है कि जो अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये चेतावनी पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को दे चुके हैं। जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये भी हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो घुसपैठियों पर हो रही है, जिस तरीके से यूपी एटीएस लगातार अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रहा है, फिर चाहे मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का हो, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस गाने में लगाए जा रहे हैं वो गाना बजाया जा रहा है, और अगर मना की जा रही है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं गाना बंद नहीं किया जा रहा है, उस पूरे मामले पर यह कार्रवाई हुई है। तो दूसरी तरफ जो कुख्यात गैंगस्टर है, जो कुख्यात गो तस्कर है, उस पर भी शिकंजा कसा गया है, उसकी 5 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। तो ये लगातार कार्रवाई हम उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहे हैं, और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एक तरफ बरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस गाने में लग रहे थे उसमें दुकानदार जो मुस्तकीम है और उसका दोस्त नईम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दूसरी तरफ गैंगस्टर जो कि एक कुख्यात गौ तस्कर भी है, उस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।